यानी बट इफ आई टेक हिट देन मेरी भाषा परिवर्तन हो जाएगी और मेरा लक्ष्य सिर्फ ये होगा कि मेरे को दादी माँ के घर से बाहर निकलना है, पर ये इतना भी आसान नहीं होगा। मेरे पास यहाँ पे 3 दिल हो गए, अगर ये मेरे 3 दिल समाप्त हो जाते हैं तो मेरा खेल यहाँ पे खत्म हो जाएगा। एक और सुहानी रात दादी जी के घर में, और आज मेरा लक्ष्य है कि मेरे को दादी जी के घर से बाहर निकलना है, पर दादी जी से बिना मार खाए। कभी तुम सोच के देखो, दादी जी के घर से बाहर निकलना इतना ज्यादा मुश्किल है ना? नहीं, तुम कुछ भी कर सकते हो, पर दादी जी के घर से बाहर बिना मार खाए नहीं निकल सकते। ये इतने बड़े बड़े डंडों से तुम्हारे सिर पे इतना ज्यादा मारेगी ना, तुम्हारे सिर का मुरब्बा बना के रख देगी। कोई ना, आज के इस खेल के अंदर मैं दादी जी के घर से भाग के रहूंगा और दादी जी मेरे पीछे डंडा लेके आ रही। पता नहीं मुझे यहाँ से भागने में कितनी और कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, और मुझे ऐसा लगता है कि दादी जी मेरे पीछे आ रही। फिर मैं जल्दी जल्दी नीचे चले जाता हूँ, क्योंकि अगर दादी जी ने मुझे मार दिया तो मेरी भाषा यहाँ पे परिवर्तन हो जाएगी। मैं इसे यहाँ फेंक देता हूँ और मुझे लगता है कि दादी जी पीछे आ रही है। मैं दादी जी को यहाँ पे कैद कर लेता हूँ, क्योंकि दादी जी के कैद होने के बाद ही मैं बहुत सारी चीज़ें है जो कर सकता हूँ, और यहाँ पे दादी जी आ चुकी है। मैं दादी जी को यहाँ से जल्द कैद कर लेता हूँ। चलो दादी माँ को जल्दी से जल्दी बंद कर लेते हैं, और दादी माँ को यहाँ पे बंद करने के बाद बहुत सारे ऐसे काम है जो मैं कर सकता हूँ, और यहाँ पे देखते हैं कि इस गाड़ी के अंदर क्या है। जल्दी से जल्दी देखते हैं इस गाड़ी के अंदर। मुझे एक बंदूक का हिस्सा मिल चुका है, बहुत सही, मैं इस बंदूक के हिस्से को यहाँ रख देता हूँ, जिससे मुझे बंदूक बनाने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। मैं इस बड़ी कैंची को उठा लेता हूँ, क्योंकि ये बड़ी कैंची मेरे बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। इस घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जहाँ दादी जी ने बहुत सारी चीज़ें छुपा के रखी है, पर मुझे इस घर में पूरी तरह से ढूंढना होगा, और मुझे ढूंढना होगा उन सारी चीज़ों को जिससे मैं इस घर से भाग सकता हूँ, और वो चीज़ें मुझे पर एक बंदूक का हिस्सा मिल चुका है। जल्दी से जल्दी इस बंदूक के हिस्से को वहाँ रखाते हैं जहाँ इसकी ज़रूरत है। मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर कर दिया, अगर मैं यहाँ थोड़ी देर भी रुकूंगा तो पागल बुढ़िया मेरा सिर फोड़ के रख देगी, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। यहाँ पे एक दरवाज़ा लगा हुआ, अगर मैं यहाँ शोर करूंगा तो पागल बुढ़िया कभी भी आ सकती है। एक काम करते हैं, यहाँ शोर कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ शोर करने पर पागल बुढ़िया यहाँ आ जाएगी, और जल्दी से जल्दी हम दादी जी से बच के यहाँ से भाग पाएंगे। तो सच में गाड़ी के पास चलते और गाड़ी के पास इस हिस्से को रखाते, जहाँ पे मेरी बहुत ज्यादा मदद होगी, और मुझे देखने पड़ेंगे और कितने सारे से अभी भी एक और हिस्सा बाकी है, जिससे मेरा ब्रह्मास्त्र बन जाएगा, और मैं दादी जी को इतना परेशान करूंगा कि दादी जी मेरे को बोलेगी तू चला जाए यहाँ से, तू मेरे घर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो सच में मैं यहाँ से भाग ही रहा था, और हाँ, यहाँ पे कुएं का डंडा मिल चुका है। जल्दी से जल्दी कुएं के पास चलते हैं और देखते हैं कि हमें कुएं के अंदर क्या मिलेगा, क्योंकि कुएं के अंदर हालात तो कुछ घंटा मिलता नहीं है, पर कोई ना, हम कोशिश करके देखते हैं, शायद से कुएं के अंदर उससे कुछ अच्छा मिल जाए जिससे हमें भागने में आसानी हो। कुएं के अंदर से मेरे को यहाँ पे हथौड़ा मिल चुका है। मन तो कर रहा है इस हथौड़े को लेकर दादी माँ का सर फोड़ दूँ, पर हम ऐसा नहीं कर सकते। जल्दी से जल्दी इस हथौड़े को लेके जाते हैं, और ये हथौड़ा हमारा बहुत सहायता करेगा। मैं यहाँ पे आवाज कर देता हूँ, क्योंकि दादी माया भगी भगी आती होगी। मैं काम करता हूँ, यहाँ से जल्दी से खिड़की के सहारे चला जाता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे आवाज कर दी। दादी माया पागलों की तरह भगी भगी आती होगी, और जल्दी से यहाँ से हम चले जाते हैं। और यहाँ पे वो दादी माँ आ जा चुकी है, और ओ भाई, मैंने यहाँ पे बहुत बड़ी गलती कर दी। मेरे को यहाँ से जल्दी जाना होगा, क्योंकि वो दादी माँ मेरे पीछे लग चुकी है। तुम सोच सकते हो इतनी तेजी नाल भगती है ना? नहीं, उसको तुम कहीं पे भी दौड़ाने की प्रतियोगिता में हिस्सा लेने को कहो, भाई सच में प्रथम पुरस्कार मिल सकता है। और जल्दी से जल्दी गुड़िया को घेरा देते हैं, हथौड़े को फेंक देते हैं और छुप जाते हैं। और अभी कभी भी वो बुढ़िया आ सकती है, और जल्दी से जल्दी वो आएगी और मेरा काम यहाँ पे आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर इस बुढ़िया ने, हाँ तुम देखो लो भाई, इतनी ज़्यादा ताकत है ना, इतना बड़ा शरीर है, इतने बड़े बड़े हाथों से इतने चपेड़ मारेंगी ना, तुम्हारा गाल सुझा के रख देगी। और मेरी दादी जी ने बहुत ज़्यादा मेरा काम आसान कर दिया। और देखते हैं अंदर जाके कि हमें क्या मिलता है, इतनी मेहनत तो की है तो शायद से तो कुछ अच्छा मिलना ही चाहिए। और सच में हाँ, चली गई। चलो अभी बाहर निकल के देखते हैं यहाँ क्या मिलता है हमें। यहाँ पे एक पालना भी है, और हाँ, मेरे को यहाँ पे एक पकड़ मिल चुका है। घंटा तो इसके अंदर, हाँ दूसरे के अंदर तो कुछ होगा ही नहीं, मेरे को उम्मीद ही नहीं थी कि कुछ मिल पाएगा। एक काम करते हैं, नीचे चल के देखते हैं। नहीं, यहाँ नहीं जाना है, नहीं जाना ही नहीं है, देख के ही हालत खराब हो गई मेरी। घंटा यहाँ कुछ है ही नहीं, यहाँ जाके क्या करेंगे? तो एक काम करते हैं, नीचे चलते हैं, क्योंकि नीचे जाने के बाद शायद से हमें कुछ ना कुछ मिल सकता है, जिससे तो थोड़ी बहुत तो नहीं, पर देखते हैं क्या होगा। और आवाज़ तो कर दी है पागल बुढ़िया का, बीबी भगी भगी आ सकती है, और ये बुढ़िया आ चुके हैं। आजा बुढ़िया दादी पागल औरत, चलो यहाँ से चलते। अरे बाप रे, क्या खराब, नहीं देखने का ही और रुकने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। नहीं, चलो यहाँ से जल्दी जल्दी चलो। और इतना बड़ा घर है, पर घर में तो घंटा कुछ इसने रखा नहीं है। पूरे घर में बस आवारों की तरह घूमते रहो और ये करो वो करो।
तो जल्दी से जल्दी हम देखते हैं कि हमें और कैसी चीज़ें हैं जो कर सकते हैं जिसमें हमें और ज़्यादा सहायता होगी इस घर से भागने में। सुरंग के सहारे नीचे चले जाते और देखते हम इस पकड़ का कहाँ कहाँ इस तार को काट लेते। और यहाँ पे सबसे पहले दादी जी आ चुकी है। दादी जी, नहीं मैंने कौन सी जन्म की दुश्मनी निकाल रही है मेरे से? मैंने तेरे से क्या बिगाड़ा है? नहीं तेरे पैसे ले लिए, नहीं कुछ ले लिया है तेरे से, जो तू मेरे इतना हाथ धो के पीछे पड़ गई है, जहाँ जा रहा वहाँ आ रही है, इधर जा रहा वो जा रहा, नहीं क्या कौन सी जन्म की दुश्मनी निकाल रही है? तेरे को दुश्मनी क्या है मेरे से? सीधा सीधा मेरे को इस घर से भागने देना, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? जब देखो तब मेरे पीछे आ जाते, ये इधर जाओ उधर जाओ, बड़ी दादी जी को जगा दूंगा, घंटा हो तेरे को। अरे ये भी वैसी वो भी वैसी, करे तो करे क्या, जाए तो जाएगा, इतनी सी छोटी सी तो जान है मेरी, नहीं तेरे को दुश्मनी क्या है मेरे से? जब देखो तब डंडा लेके आ जाती है, मेरे को डराती रही, अबे तेरी वजह से मेरी पैंट गीली हो गई, मेरे फटके हाथ में आ गई है तेरी वजह से। मैं सच में मन तो करता है तेरे इस घर को नहीं क्या बम से उड़ा दूँ। दादी जी को मार तो सकते हैं पर इस घर को उड़ा नहीं सकते, काश इस घर को उड़ा पाते। और मेरा यहाँ पे ब्रह्मास्त्र बनने को तैयार है, क्योंकि मेरे को आखिरी जो हिस्सा चाहिए था वो मिल चुका है। अभी मैं इस हिस्से को लेके जाता हूँ, क्योंकि मैं मेरे से रुका नहीं जा रहा है। तुम सोच सकते हो मेरे अंदर इतना गुस्सा है ना, अभी अगर मेरे को गुस्सा आ गया ना, सच में इतने चपेड़ मारूंगा ना दादी जी के। अभी जल्दी से जल्दी इस हिस्से को जाके रख आते, क्योंकि ये हिस्सा मेरे लिए वरदान है। तुम सोच सकते हो ब्रह्मास्त्र से भी बढ़ के इस हिस्से से मैं क्या क्या कर सकता हूँ, दादी जी को इतना परेशान कर सकता हूँ, दादी जी के सच में एल लगा सकता हूँ। अभी दादी जी आएगी और दादी जी को इतनी प्यारी चुम्मी दूंगा ना, नहीं तुम सोच नहीं सकते। दादी जी आ जाए और दादी जी को मारने के बाद इतनी ज़्यादा खुशी होती है ना, नहीं इतना ज्यादा खुशी होती है ना, मैं तुमको बता नहीं सकता। बहुत ज्यादा मेरे को यहाँ पे खुशी हो रही है और बहुत ज्यादा अभी मैंने दादी जी से मजाक कर लिया है। तो जल्दी से जल्दी काम करते हैं और ये इस घर से भाग के निकलते हैं, क्योंकि इस घर में मेरे से जरा भी नहीं रुका जा रहा। इस घर में इतनी बदबू आती है और एक तो ये सड़ा भसा घर है। और जल्दी से जल्दी यहाँ पे चलो जल्दी से जल्दी हथौड़ा लेके जाते और इस दरवाजे को खोल देते। मैंने इस हथौड़े का एक बार भी इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि दादी जी हमारे लिए जिंदाबाद है। दादी जी से मैंने बहुत सारे काम तो करवा लिए, पर कोई ना इस पेचकस को लेके जाते और नीचे देखते हैं कि हमें क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो यहाँ मिल सकती है। हालांकि एक ही चीज मिलेगी, घंटा, तो देखते हैं पर क्या हमें यहाँ मिलता है। यहाँ पे मैं इन दोनों नट को निकाल देता हूँ। इसके अंदर मुझे गाड़ी की चाबी मिल सकी है, बहुत सही। गाड़ी की चाबी से गाड़ी लेके भागने का तो विचार है मेरा, पर गाड़ी के लिए मेरे पास सामान ही नहीं है। और मैं अभी सच में बड़े दरवाजे से भागना चाहूँगा, क्योंकि गाड़ी से भागना मेरे को सही नहीं लगता है। कौवे का खाना कौवे को खिला के आते हैं और कौवा यहाँ पे अपने खाने का इंतजार कर रहा है। इस काले कौवे को किसी दिन गोली से उड़ा दूंगा, सच में खाने के लिए मरा फिर रहा है। तो यहाँ पे मेरे को लाल चाबी मिल चुकी है, बड़े दरवाजे की ये चाबी है। और बड़ा दरवाजे के पास चलते हैं, क्योंकि अभी यही तो रह गया है। नहीं, बड़े दरवाजे से भागने के अलावा और क्या रह गया है, तुम ही बताओ। तो यहाँ पे बड़े दरवाजे के पास इसको रख देते और जल्दी से जल्दी ऊपर चल के देखते, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी तक पार कर लिए, और आधी चीज़ें तो मैंने पार ही कर लिए इस खेल के अंदर। और देखते कि हमें और कोई ऐसी चीज़ मिलती है जिससे हमें और भी सहायता मिल पाए इस घर से भागने में। हालांकि यहाँ पे मकड़ी की चाबी तो मिल चुकी है, बहुत सही। और यहाँ तो कुछ नहीं है, घंटा, ओ नहीं इसकी जरूरत नहीं है अभी, मुझे इसकी जरूरत तो नहीं है। और दादी जी ने मार दिया, मेरा कपड़ा तोड़ दिया दादी जी ने। आता खूप कमी गोष्टी राहिलेले काहून की घरामधून पळायसाठी आपल्याला खूप कमी वस्तू लागणार। तर आपली जे काय वस्तू आहे आपण लवकर लवकर शोधून नाही का या घरून पळून जातो, काहून की खूपच वेळ झालेला आहे, मी खूपच जास्त बोललो। तर लवकर लवकर आपला हे उचलतो, याला खाली फेकतो। म्हातारीला एवढा पण चैन नाही, ये म्हातारी माझ्याहून हात, अरे तुझा काय बिघडला हो, मी जाय ना, तू माझ्या मागे काहून लागलेली आहे, चला जाऊ द्या। तर लवकर लवकर आपले जे काय कार्य ते पूर्ण करतो, निघतो इथून। एक काम करतो, म्हातारीला पहिले झोपतो, काहून की म्हातारी जेव्हापासून नाही झोपणार तर आपला कार्य पण पूर्ण नाही होणार। एक काम करतो, म्हातारीला बोलवतो, याच्यामध्ये गोळी टाकतो आणि म्हातारीला एक शॉट देतो, काहून की म्हातारी जेव्हापासून नाही झोपणार आपला कार्य पुरा नाही होणार। या चाबीला उचलून घेतो, काहून की आपल्याला चाबीची गरज लागणार आहे, काहून की याच्याचमुळं आपण इथून पळून जाणार आहे। तर लवकर लवकर पेचकस उचलतो, नेतो खाली आणि त्या याला फेकतो। आता एक मोठे म्हातारीजवळ आपण जाणार आहे, पण ते माझं चांगलं स्वागत नाही करणार बहुतेक मला असं वाटते, तर जाऊ द्या।
जे काय ते बघू, लवकरात लवकर आपला जे काय कार्य ते पूर्ण करून निघून जाऊन, काऊन की इथं काय नाही भेटणार मला असं मला वाटते। आणि जर मी याच्या हाती चढलो तर हे मला कच्चाच खाऊन टाकणार, तुम्ही विचार करा। हे पकडेनं असं खाणार ना मला, तर इथं राहणं खूपच जास्त नाही का मुश्किल आहे, आणि इथं राहणं खूपच जास्त गरजेचं नाही। तर आपली जे काय काम आहे ते जे काय कार्य आहे ते लवकर लवकर आपण पूर्ण करून टाकू। मला असं वाटते की इथं काय भेटणार हे आपली गरजेची वस्तू नाही आहे। थोडा फिरून बघतो की इथं नाही नाही इथं मला नाही वाटत की इथं काय भेटणार। तर आपण नाही का एक काम करतो, आपण नाही का ते वरी खाली जवळ जातो। तर लवकर लवकर अरे आली रे माझ्या मागे लागली, हे माझ्या मागे जावं पण लागते ना मला खूपच जास्त भीती वाटते। नाही का आपण याच्या आत जाऊ, ते आलेली एक काम करू, वरी जाऊन बघू की आपल्याला काय भेटते। मला असं वाटते की इथं काय ना काय भेटणारच, तर याला उघडून बघू याच्यामध्ये काय। तर याच्यामध्ये टरबूज आहे, चला सगळ्यात पहिले टरबूज घेऊन मग बघू। टरबूज घेऊन नाही का लवकर लवकर पळून नाही का याच्यामध्ये कापून बघू की याच्यामध्ये काय भेटते। असं वाटते की याच्यामध्ये चांगली गोष्ट भेटणार, काऊन की टरबूजमध्ये तर असं तर आपण याला खाऊ पण नाही शकत आणि कोणाला देऊ पण नाही शकत। तर लवकर लवकर टरबूजमध्ये कापून बघतो की याच्यामध्ये काय। तर चला याला कापायला नियतो, याच्यामध्ये काय माहीत काय भेटते व। तर इथं नाही का याला ठेवतो आणि याला कापतो याच्यामध्ये। ओ भाई इथं मला निळी चाबी लाभलेली आहे, तर लवकर लवकर आपण नाही का जावतो आणि याला ठेवून देतो, काऊन की हे निळी चाबी आपल्याला काम लागणार। लवकर नाही का ते मोठा दरवाजा आहे त्याच्या नाही का ताला उघडून घेतो, काऊन की एकच चाबीची गरज होती ते मला आता भेटली आहे। तर आपण नाही का सगळ्यात पहिले हे ताला उघडून घेऊ, काऊन की आपल्याला पळायसाठी खूपच कमी वस्तू लागलेली आहे आणि एकच गोष्टी राहिलेली आहे ज्याची आपल्याला गरज आहे, त्याच्यानंतर आपण इथून पळून जाईल। तर चलो आपण बघू इथं काय आपल्याला भेटते। तर सगळ्यात पहिले माथारे माझ्या मागे लागलेली खरं। अरे इथं याला अरे बापरे अरे अरे वाचलो लवकर लवकर पळ। अरे खरं मागे एवढा जोशानं लागलेलं वाचलो रे खरं। तुम्हाला सांगू एवढा खूपच पळूपळू आलती, तर आपण चांगलं झालं इथून वाचलो। तर लवकरात लवकर इथून निघून जायचं, काऊन की आपलं सगळं कार्य संपन्न झालं आहे, आपल्याला सगळ्या गोष्टी भेटलेली आहे आणि आता आपल्याला पळण्यासाठी खूपच चांगला वेळ आहे। तर एक काम करतो मी आवाज करतो, काऊन की आवाज जिथं जिथं होणार ते तिथं तिथं जाणार। तर लवकर नाही का इथं आवाज करतो मी याला उचलून नाही का इथं फेकून टाकतो, काऊन की इथं आवाज आली ते म्हातारी इथं येऊन जाईल आणि आपला कार्य पूर्ण होऊन जाईल। आता मला सगळी पण गोष्टी भेटली आहे, फक्त एक गरजे आता माझे सगळे कार्य संपन्न झालेले, मला नंबर भेटला आहे आणि आता मला वाटते की तो निघून जावा। पण मी इथून जाता जाता एक काम करून जाणार, काऊन की हे म्हातारीनं मला खूप जास्त प्रेम दिला आहे, माझ्या नाकात एवढा दम केला आहे ना। मी सकाळपासून तुम्हाला सांगू ना सकाळपासून कोशिश करायलो आहे घरापासून निघायची, पण मी आत्ता नाही का यशस्वी झालो। तर सगळ्यात पहिले आपला जे काय काम आहे ते करून घेऊ, काऊन की म्हातारीला जाता जाता एक चांगली पप्पी देऊन जायचं मला असं विचार वाटते। तर आपण आवाज करून घेऊन म्हातारी पळूपळू आपल्या जवळ येते आपल्याला पप्पी द्यायसाठी। तर लवकरात लवकर आपला म्हातारीला बोलून घेऊ आपण। तर म्हातारी कुठे आहे तू, आली चल घे, नाही घे तू, तुला आता काय सांगू मी, तुझ्यामुळं नाही का मला एवढा वेळ लागलेला आहे, तुझ्यामुळेच मी इथं हे घरात अडकलं होतं। तू जाय, तू तुझ्या घरात नाही का झोप, आता त्याला जेवढा झोपायचं तेवढा झोपून जाय आणि मी या घरातून आता पळून जातो, काऊन की इथं राहायचं।